पीवी में देख के आप लोगों को पता चल चुका है आज किस तरह का वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइन मोशन आपका जरूरत होगा। अलाइन मोशन ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें प्लस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद नॉइस टू 16 कर लेना है, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद मीडिया ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर एक फ़ोटो को चॉइस कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर फिल कॉम्पोजिशन एरिया ऑप्शन पर टैप कर देना है तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद म्यूजिक ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद आप म्यूजिक चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर टैप करना है और इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर टैप करना है, म्यूजिक पर टैप करके रखना है और इसको खींच के इस तरह से कर देना है और फोटो पर टैप करना है और इसको वीडियो के बराबर करना है तो लास्ट पर आना है और इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। फ़ोटो म्यूजिक के बराबर हो जाएगा, देख सकते हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एक शेप लगाना पड़ेगा, तो शेप लगाने के लिए प्लस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर शेप ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन पर टैप करना है और फिल कॉम्बिनेशन एरिया करना है तो पूरा स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद कलर एंड फिल ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद इस ऑप्शन पर टैप करना है और इस ब्लैक को इस तरह से खींच के इस तरह से उसको अंडर में लगाना है और वाइट को इस तरह से अपार कर देना है। जो ठीक से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद बीच में एक ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करना है और इसको इस तरह से कम कर देना है। तो देख सकते हो गया है, आप लोग ठीक से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर साइड पर क्लिक कर देना है, सेव ऑप्शन पर टैप करना है, वीडियो के लास्ट पर आना है और इस ऑप्शन पर टैप कर देना है तो पूरा वीडियो तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइरिक्स ऐड करूँगा, तो लाइरिक्स ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर लाइरिक्स लगा देना है इस तरह से और इसके साइज अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, मैं इतना ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कलर को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, कलर पर टैप करना है, वाइट करना है, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, मैं वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट ऑप्शन पर टैप कर देना है और इसको ब्लॉक के बीच में करना है इस तरह से, अपने हिसाब से आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, इफेक्ट लगाने के लिए इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट्स ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद 3D ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर फ्लिप लेयर ऑप्शन पर टैप कर देना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर देना है, उसके बाद प्लस ऑप्शन पर टैप करना है और एंगल को इस तरह से बढ़ा लेना है, 90 के आसपास कर लेना है और हो जाने के बाद इसके बीच में आना है और यहाँ पर इसको कम कर देना है, इस तरह से कम कर दीजिएगा, 0 डिग्री कर देना है, यहाँ पर 0 डिग्री कर देना है, उसके बाद लास्ट पर आ जाना है, -90 डिग्री कर देना है इस तरह से। इतना हो जाने के बाद यहाँ से बैग आ जाना है और एड इफेक्ट ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर और एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करना है स्ट्राइप्स STRIP लिख कर सर्च करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद स्ट्राइप इफेक्ट के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना है, इस इफेक्ट के अंदर चले जाना है और इसको सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे फेस ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आना है और प्लस ऑप्शन पर टैप करना है और इसको साइज इस तरह से बढ़ा लेना है, अपने हिसाब से आप लोग बढ़ा दीजिएगा, मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट पर आना है और इसको 0 कर देना है, इस तरह से 0 कर दीजिएगा और यहाँ पर कलर आप लोग चेंज कर सकते हो तो कलर ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग कलर को चॉइस कर लीजिएगा। मैं उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रीन स्पेस ऑप्शन पर टैप कर देना है, देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ से बैग आ जाना है, उसके बाद लाइरिक्स ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर कॉपी लाइरिक्स ऑप्शन पर टैप कर देना है, उसके बाद इस लाइरिक्स जहाँ पास ख़त्म हो रही है वहाँ पर आना है और इस ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद पेस्ट लेयर ऑप्शन पर टैप कर देना है। इस लाइरिक्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर टैप करना है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर चेंज कर देना है, इस तरह से आप लोग चेंज कर लीजिएगा।
उसके बाद राइट ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो पर टैप करना है, इफेक्ट ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर ऐड इफेक्ट ऑप्शन पर टैप करना है। इस तरह से स्क्रॉल करना है, अदर्स ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर RGB ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर कलर इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैग आ जाऊँगा, सेग इफेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो वहाँ से आप लोग एलाइन मशन ऐप पर इनपुट कर लीजिएगा अगर इस तरह का वीडियो एडिट करने में कोई दिक्कत होती है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।